एक सेकंड में मौसम चेंज हो जाता है। अभी तेज धूप निकल रही थी, अब फॉग आ गया। तो गाइज मैं पहुंच गया हूँ धारी देवी मंदिर। अभी नीचे जो है मंदिर है पानी के। हेलो गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल, मैं हूँ निशांत। तो कल रात को यार बहुत अच्छी नींद आई, मैं बहुत थक गया था तो बिल्कुल सुकून से सोया हूँ, बिल्कुल भी एक भी बार आँख नहीं खुली मेरी। तो अभी जो है यहाँ से चलते हैं, मैं हूँ ब्यासी में, ब्यासी से आगे बढ़ते हैं कर्णप्रयाग की तरफ और देखते हैं रास्ते के नज़ारे। और सामान सारा भी पैक कर लेता हूँ, सब कुछ बिखरा पड़ा है तो वो सही चीज़ें समेट के फिर निकलते हैं यहाँ से आगे की तरफ। तो यार यहाँ पर ना स्पीकर्स लगे हैं इस गाँव में, और स्पीकर्स लगे हैं इसलिए वार्निंग देने के लिए। अभी पीछे टिहरी डैम से ना पानी छोड़ा गया है, तो बहुत सारा पानी छोड़ा गया है, इसलिए यहाँ पे वार्निंग्स दे रहे हैं बार बार कि नदी के पास मत जाना, पानी एकदम से बढ़ेगा और बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। और सारे कुत्ते उत्ते भी जो है ना रो रहे हैं यहाँ पर, तो वही थोड़ा रिस्की है, यहाँ पर नदी के पास जाना बिल्कुल भी सेफ नहीं होता है। यहाँ पर भी डैम बने हुए और गंगा जी तो काफ़ी सारे डैम्स बने हुए हैं, तो इसलिए नदी किनारे कैंप करना भी सेफ नहीं होता है। तो ये हवाई लोकेशन, यहाँ रुका था, ये है बाहर का नज़ारा। और ये पीछे आप देख रहे हो ना ब्लू ब्लू से शेड्स जो हैं, ये यहाँ पर काम चल रहा है रेलवे लाइन का, और यहाँ पे बनने वाला रेलवे स्टेशन भी, ब्यासी रेलवे स्टेशन। कुत्ते कुत्ते हैं यहाँ पर। तो ये रास्ता जा रहा है अपना बद्रीनाथ केदारनाथ की तरफ, ये जा रहा है ऋषिकेश की तरफ। इधर से आया हूँ मैं, इधर जाना है, बस सामान पैक करके निकलते हैं यहाँ से। तो अपना ब्रेकफास्ट आ गया, आलू का पराठा है, आलू की सब्जी है, चटनी है, छोले है, दही है, खाते हैं भाई इसको। तो ब्यासी से निकल गया हूँ मैं, धूप निकल रही है बढ़िया। और ये देखो, ये जो है ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे का काम चल रहा है यहाँ पर, इधर यहाँ पर टनल बन रही है एक। तो अभी यहाँ पे जो होटल वाले भाई वो बता रहे थे कि ये जो टनल का काम चल रहा है ना, इससे गांव के अंदर जो है दरारें आने लग गई है। तो अभी गांव वालों को भी ना, ये जो गांव है ऊपर, इनको शिफ्ट किया जाएगा कहीं और, सब जगह ऐसी हो रहा है। पहाड़ बहुत फ्रेजाइल है यहाँ के, तो इसलिए जो है टनल वनल जो है बड़ा रिस्की प्रोजेक्ट रहता है यहाँ पर। मेरा पहला टारगेट है देवप्रयाग, वहाँ पर बैठ के देखेंगे नज़ारा, भागीरथी और अलकनंदा का संगम। और इस रास्ते में सारे प्रयाग आएंगे, मतलब जितने भी संगम है नदियों के सारे आएंगे, तो देखते हुए चलेंगे अपन। पूरा वीडियो देखते रहना और पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना। अभी क्या यार, ऑफ सीज़न चल रहा है, कोई नहीं जाता इस रूट पर, तो बिल्कुल खाली रोड्स मिल रही हैं, एकदम बिल्कुल कुछ भी नहीं है, दूर दूर तक बाइक्स तो दिख ही नहीं रही है। वाह, क्या पहाड़ काट के रास्ता बनाया हुआ है, गुफा सी, ऐसा लग रहा है किन्नौर में आ गए। भाई साहब यहाँ तो यार बहुत ही तेज़ धूप निकल रही है, मुझे लग रहा था ठंड होगी बढ़िया वाली। सुबह सुबह तो बढ़िया ठंड लग रही थी, लेकिन अब तो मतलब बढ़िया लग रहा है, अच्छा लग रहा है, मतलब कंफर्टेबल राइड हो रही है एकदम, बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही, बिल्कुल भी गर्मी नहीं लग रही, एकदम बिल्कुल परफेक्ट। अभी मैं यही अपना ये उतार दूंगा ना रेन जैकेट, बस उसके बाद ठंड लगने लगेगी। फॉग आ गया भाई साहब, तगड़ा फॉग है, एक सेकंड में मौसम चेंज हो जाता है। अभी तेज़ धूप निकल रही थी, अब फॉग आ गया। आज सुन हो गया यार, ज़रा सी देर में एकदम से ठंड बढ़ गई, ये देखो कैसे बादल आ रहे हैं। ठंडा हो गया मौसम फिर से। तो गाइज़ मैं पहुंच चुका हूं देवप्रयाग में, और ये ऋषिकेश से करीब 60-65 किलोमीटर आगे है। यहां पर भागीरथी और अलकनंदा रिवर का संगम होता है, और उसके बाद बन जाती है गंगा रिवर। मेरे सामने से अलकनंदा आ रही है, और मेरे लेफ्ट हैंड साइड से आ रही है भागीरथी, भागीरथी आ रही है गंगोत्री से, और अलकनंदा आ रही है बद्रीनाथ से। बद्रीनाथ से आके यहाँ पर आके मिलती हैं दोनों नदियाँ, और दोनों मिल के बनाते हैं गंगा। और नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है, संगम बहुत ही अच्छा लग रहा है, और पानी बिल्कुल साफ है यार। तो
देवप्रयाग में करीब 15-20 मिनट का ब्रेक लेने के बाद मैं चल रहा हूँ आगे। अभी सुबह के 9:30 बज रहे हैं, तो अपने को जल्दी से ना श्रीनगर क्रॉस करना है। वहाँ पे मार्केट खुल जाएगी तो थोड़ा ट्रैफिक बढ़ जाएगा। पता नहीं बाईपास बना है नहीं बना, श्रीनगर वालों बताओ बाईपास है कि नहीं। तो अपन चलते हैं आगे। बहुत ही सुंदर नज़ारा था यार, मज़ा आ गया। अब बाइक राइड में ना बस एक ही यही दिक्कत रहती है, इतना सारा लगेज है मेरे पास, मैं नीचे संगम तक नहीं जा सकता। अभी गाड़ी होती साइड में लगा के चले जाओ, बस यही फ़र्क है बाइक और कार में। ये है देवप्रयाग की छोटी सी मार्केट, यहाँ पर खाने पीने का सब कुछ माल मिल जाता है और रहने का भी शायद यहाँ पर मिल जाएगा आपको, बिल्कुल संगम के पास में, क्योंकि काफ़ी सारे घर तो बने हुए हैं, धर्मशाला वगैरह भी होंगी वहाँ पर और गेस्ट हाउस वगैरह और ये सब चीज़ें होंगी। अच्छा, आते टाइम ना मैं इस रास्ते से नहीं आऊँगा, मतलब मैं ऋषिकेश होकर नहीं आऊँगा, मैं पौड़ी साइड से आने की ट्राई करूँगा। पौड़ी लैंसडाउन वाला जो रास्ता है ना, रिटर्न उधर से कर लेंगे और उधर कैंप वगैरह करने की जगह भी मिल सकती है, तो उधर कोई दिक्कत नहीं होगी। देखते हैं रिटर्न जर्नी जब स्टार्ट करेंगे 3-4 दिन बाद, तब क्या माहौल रहता है, क्या मौसम रहता है और कितना थक चुके होते हैं हम, क्योंकि अभी हम लोग जा रहे हैं नीति विलेज, जो कि है बिल्कुल लास्ट में, और वहाँ पर रात को टेम्परेचर है -16। कल रात का मैंने देखा था, -16 में टेम्परेचर जा रहा है, तो वहाँ पे कैंप कैसे होगा, यही सबसे बड़ा टास्क है। पहली बात तो जोशीमठ से वहाँ पर जाने के लिए अलाउ करेंगे या नहीं वो देखना पड़ेगा। वैसे मैंने बात करी थी तो बोल रहे थे अभी जाने दे रहे हैं, क्योंकि अभी इतनी ज़्यादा स्नो नहीं गिरी है। तो भाई साहब बड़े ट्रक्स ही ट्रक्स हैं यहाँ, तो श्रीनगर पहुँच गया, बहुत बड़ा शहर है यार। अरे यार समोसे बन रहे हैं यहाँ पर, तो यार मन कर गया खाने का, लेकिन यार मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है ना, तो मेरे को भूख नहीं लग रही अभी। मन तो कर गया लेकिन भूख नहीं है। स्वीट का तो गाइज मैं पहुंच गया हूं धारी देवी मंदिर। अभी नीचे जो है मंदिर है पानी के बीचों बीच, और यहां पर जो है मंदिर पहले ना शिफ्ट कर दिया था, मेरे को ऐसी स्टोरी पता है कि मंदिर को शिफ्ट कर दिया था, जिसकी वजह से केदारनाथ में तबाही मची थी, फिर दोबारा से मंदिर को वहीं पर बना दिया गया है। अब कितनी इस कहानी में सच्चाई है ये तो उत्तराखंड वाले बता सकते हैं, तो कमेंट में ज़रूर बताना। रुद्रप्रयाग रह गया है 17 किलोमीटर। भाई साहब कुत्ता पीछे लग गया। यहाँ पे रुका था मैं एक बार शांग्रीला में, जब फैमिली के साथ आया था बद्रीनाथ। अभी रुद्रप्रयाग पहुँचने वाले हम, 3-4 किलोमीटर रह गया, और वहाँ से फिर केदारनाथ का रास्ता कट जाता है और सीधा बद्रीनाथ का रास्ता है। तो अभी 12 बज रहे हैं, 12 बजे मैं पहुंच गया हूं रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग से आगे अपन चल रहे हैं। यार अभी इतनी छोटी छोटी रास्ते हैं ये, तो अभी तो ऑफ सीज़न है, तो यहां पे इतना ट्रैफिक है, मैं कभी पीक सीज़न में आया नहीं हूं। तो यहां पे क्या होता होगा, जब मैं ऐसी जगह आता हूँ ना पहाड़ों पे दूर के एरियाज में, तो मैं सोचता हूँ कि ऐसे यार आज से 100 साल पहले ये जगह कैसी लगती होगी। घर होंगे सिर्फ, दुकानें शायद कोई भी नहीं होगी, सड़क भी नहीं होगी, पैदल पैदल ज़्यादा सफ़र करते होंगे। मतलब इमेजिन करता हूँ मैं कभी कभी कि ये एरियाज कैसे लगते होंगे, कितने अच्छे लगते होंगे, कि ये बहुत ज़्यादा रिमोट एरिया हुआ करता था पहले। लोग जो है पैदल जाते थे इन रस्तों पर, केदारनाथ बद्रीनाथ ये सब जगह ना पैदल जाते थे, पूरा पैदल, मतलब अपनी लाइफ के आखिरी टाइम में जाते थे, वो भी ऐसे नहीं जाते थे कि भाई
वंडरलस्ट करने जा रहे हैं। वो तब जाते थे जब उन्होंने अपनी पूरी दुनिया की दारी सारी निपटा ली होती थी, उसके बाद जब मरने का समय आने वाला होता है उससे पहले जाते थे कि ऊपर जाएंगे, मर भी गए तो कोई बात नहीं। इतना ख़तरनाक रास्ता होता था। अभी तो सारी सुविधाएं हैं, 20-22 किलोमीटर का ट्रैक करके हम लोग खुद को फन्ने का समझते हैं। पहले के लोग जाते थे भाई 150-150 किलोमीटर चल के। तो गाइज़ मैं पहुंच चुका हूं रुद्रप्रयाग, और रुद्रप्रयाग मैंने क्रॉस कर लिया है और फिलहाल बस पानी पीने के लिए रुका था। और यहां पे बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारा मुझे दिख गया, तो थोड़ी देर बैठने का इरादा कर लिया यहां पर। कर्णप्रयाग में रुक के अपन करेंगे आज वीडियो एडिट, तो वहां पर रूम देखते हैं, कोई ठीक ठाक सा रूम मिल जाए जहां पे थोड़ा सा व्यू भी अच्छा हो, और थोड़ी धूप में बैठेंगे और अच्छा सा मतलब मज़ा करेंगे, और फिर खाना वाना भी खाना है अभी, तो लंच करके फिर मैं रूम लूँगा। तो कर्णप्रयाग पहुंचने में लग जाएगा करीब एक घंटा, अभी यहाँ से 31 किलोमीटर रह गया है, तो 31 किलोमीटर में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। पर मैं धीरे धीरे रुकते रुकते ऐसे नज़ारों के मज़ा लेते हुए जा रहा हूँ, तो हो सकता है थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम भी लग जाए। तो चलते हैं अब, नेक्स्ट स्टॉप कर्णप्रयाग। तो मैं पहुँच गया हूँ गौचर, और कर्णप्रयाग यहाँ से रह गया सिर्फ 11 किलोमीटर। और गौचर भी काफ़ी बड़ा शहर टाइप है, छोटा सा कस्बा है, शहर तो नहीं कहेंगे, लेकिन यहाँ पे भी सारी फैसिलिटीज़ वगैरह लग रहा है। अभी क्या है ना, ऑफ सीज़न है, तो यहाँ पे सब मार्केट वर्केट ना सब बंद सी है, मतलब ऐसा कुछ खास खुला नहीं है। होटल वोटल में भी ना लोग रूम नहीं दे रहे हैं, क्योंकि कोई है ना मेंटेन्ड नहीं है सब, तो रेस्टोरेंट वगैरह भी कम ही खुले हुए हैं। लेकिन ये है कि हाँ, मिल जाएगी आपको रहने खाने की जगह, तो मिल ही जाएगी सब जगह। जहाँ जहाँ धूप गिर रही है वहाँ ठीक लगता है, और जहाँ धूप नहीं आती ना भाई, वहाँ ऐसी ठंड लगती है भयंकर वाली, हवा लग रही है एकदम ठंडी ठंडी। और कर्णप्रयाग बस 3 किलोमीटर रह गया। कर्णप्रयाग थोड़ा आउटर में लूंगा रूम, पेट्रोल पंप भी देखना है यार किधर है। तो गाइस प्लान में थोड़ा चेंज होने का, अभी मैं जो है चमोली गोपेश्वर जाके रुकूंगा, वो है यहाँ से करीब 40 किलोमीटर, मतलब 30-40 किलोमीटर के आसपास है। यहाँ पे रुकने का अभी ज़्यादा मुझे फ़ायदा लगा नहीं, क्योंकि अभी तो दिन ही निकल रहा है, अभी तो काफ़ी टाइम है मेरे पास, तो मैं थोड़ा और आगे रास्ता खींच सकता हूँ, तो थोड़ा और आगे निकल जाएंगे फिर स्टे लेंगे। सोच रहा हूँ कोई अच्छी सी लोकेशन मिल जाए, कुछ अच्छा सा होम स्टे या गेस्ट हाउस मिल जाए, ताकि थोड़ा व्यू वगैरह भी देखने को मिले, नाइट में स्काई वगैरह स्टार्स वगैरह देखने को मिले। देखते हैं, बाकी तो गोपेश्वर पहुँच के पता लगेगा, चमोली गोपेश्वर वहाँ पर क्या है। तो गाइस फाइनली मैं पहुंच चुका हूं चमोली, चमोली गोपेश्वर इस जगह को बोलते हैं, और मैं उससे थोड़ा करीब 1 किलोमीटर आगे रुका हूं, और यहां पर मैंने रूम ले लिया है। रूम मुझे मिला है ये करीब 800 रुपये का, वैसे 1200 रुपये बताए थे मुझे, लेकिन थोड़ी सी बार्गेनिंग करके 800 में दे दिया। रूम बहुत ही बेसिक है, सिंपल सा है, ये बेड एक यहाँ पर लगा हुआ है, डबल बेड, यहाँ पर दो लोग सो सकते हैं, एक सिंगल बेड यहाँ पर लगा हुआ है, और ये वॉशरूम है जो कि काफ़ी नीट एंड क्लीन है, और इधर एक गीज़र भी लगा हुआ है, तो मतलब गर्म पानी से नहाने का जुगाड़ भी हो गया सुबह का। और इधर से अगर हम बाहर को जाते हैं तो बढ़िया सी बालकनी है, रोड है, हाईवे, ये हाईवे पे ही है होटल, तो ये लंबी चौड़ी सी बालकनी है। यहाँ पे इधर से आप जाओगे तो चमोली आ जाएगा, वो सामने ऊपर चमोली है, और इधर से ही मैं आया हूँ अभी। दही लगा दो, आ गया मनीष भाई, ये सब्जी में डाला हुआ है तो एग।
अरे आलू की सब्जी में एक डाल दिया तुमने, आलू भी डालेगा भाई? आलू आलू डालें या फिर आलू की सब्जी में अंडा डाला है? अगर आलू डाले हैं या आलू की सब्जी में अंडा डाल दिया? आलू डाले हैं। दस तो गाइस रात के 10 बज चुके हैं और हम लोग अपने रूम के अंदर आ चुके हैं। डिनर हमने कर लिया, आज खाया था हमने अंडा करी और रोटी। कल का प्लान हमारा ये है कि हम लोग जाने वाले हैं यहाँ से नीति वैली। तो फिलहाल इस बार पहली बार मैं निशांत भाई के संग जा रहा हूँ और हम लोग जाने वाले हैं नीति माड़ा के कैंपिंग ट्रिप पे। तो फर्स्ट टाइम हम लोगों का साथ में हो रहा है तो मुझे लगता है कि काफ़ी मज़ा आने वाला है इस बार। तो देखते भाई, मैं तो पहाड़ी हूँ नहीं, ये भाई पहाड़ी है, मतलब उत्तराखंड के हैं वैसे, हल्द्वानी के हैं, इनको पहाड़ी बोलना सही नहीं है वैसे। तो अभी जो है हम लोग कल जाएंगे, दोनों को ठंड लगने वाली है तगड़ी, टेम्परेचर -16 जा रहा है ऐसे गूगल बता रहा है, और पता नहीं क्या होगा कल। तो कल की जो ट्रिप है वो आपको कल देखने को मिलेगी। फिलहाल हमारी चाय बन रही है तो चाय के नशे पूरे करते हैं, उसके बाद सो जाएंगे और कल बात करेंगे। तो इस वीडियो को फिलहाल मैं यहीं पे एंड करता हूँ। आई होप आपको ये पूरा वीडियो अच्छा लगा होगा। कल जो है तगड़ा एडवेंचर शुरू होने वाला है, तो उसके लिए सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन दबा देना ताकि आपके पास नोटिफिकेशन फटाफट पहुंच जाए। तो कल मिलते हैं।